क्या आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो? क्या आपका अभी 11th 12th का सिलेबस हो गया है लेकिन आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ? यार ऐसा क्या करें कि 2 महीने में प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो जाए? तो अगर आप अभी एक नेक्स्ट महीने में आने वाली आपकी 12th की बोर्ड के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ये 12th बोर्ड, और सिर्फ 12th बोर्ड ही नहीं तो सीटी, जी, नीट जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो सारे एग्जाम में अगर आप इस एग्जाम पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम हम 12th बोर्ड के लिए दे रहे हैं, कंप्लीट 12th बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइड हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते समय सबसे पहले आपके एग्जाम का पैटर्न समझना है। बहुत सारे बच्चे पूरे साल भर बोर्ड के एग्जाम को देखते ही नहीं, उनको लगता है कि एमसीक्यू ही सब कुछ है। वो प्रिपरेशन करते रहते हैं एमसीक्यू, और उनको पता भी नहीं रहता यार कि बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है आपके 12th बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को। उसमें 4 टाइप के जनरली क्वेश्चन होते हैं, कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2 मार्क के, कुछ 3 मार्क के, कुछ 4 मार्क के। कितने 2 मार्क के, कितने 4 मार्क के, उस तरह आपका जो भी सिलेबस है उसको उस पैटर्न में थोड़ा क्वेश्चन आंसर अगर आते हैं तो किस तरह से आंसर लिखना है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है। उसके बाद सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक, जब भी आप सिलेबस प्रिपेयर करो तो यार जो भी टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर दिया होगा जरूरी नहीं है कि आप उसी से शुरू करो। आप पहले तो देख लो वेटेज, उसके इसके पहले के इयर्स या हर एक एग्जाम का हर एक यूनिट का वेटेज दिया होता है, तो आप वेटेज में देख लो, जो हेवी वेटेज वाले चैप्टर है उनको देखो, फिर उनको पहला प्रिफरेंस दो। क्योंकि होता है कि हम चिल्लर चैप्टर्स को अगर प्रिपेयर करते हैं और चिल्लर चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद पता चलता है कि यार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, या आया तो 1 मार्क का ही आया। तो इसीलिए सबसे पहले आप हेवी वेटेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करो। जैसे हम केमिस्ट्री में अगर बोलेंगे तो थर्मोडायनामिक्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको वेटेज थोड़ा अच्छा है, तो ऐसे वेटेज वाली यूनिट आप सबसे पहले सर्च करो और उसको पहला प्रेफरेंस दो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डेवलप स्मार्ट स्टडी टेक्निक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स अगर आपको अगर पता है तो उनमें से 90% पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है, और न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं फॉर्मूले के ऊपर। और अगर आप देखेंगे यूनिट तो यूनिट होता है 50 पेज का, लेकिन अगर आप उसके सिर्फ फॉर्मूले समराइज करो डिटेल में भी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज में आपका यूनिट बैठ जाता है। अब अगर वो 2 पेज आपने जान लगा दी 2 पेज प्रिपेयर करने को और उसके पूरे फॉर्मूले फिर उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए, तो आपको सिर्फ 2 पेज के फॉर्मूले लर्न करने, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करते आ गए, तो आपके 5 यूनिट तो वैसे ही प्रिपेयर है। तो इसको बोलते हैं वेरी दैट डेवलप अ स्मार्ट स्टडी टेक्निक। इसके साथ साथ जो चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे खाली रिएक्शन आपको लर्न नहीं हो रही, एक रिएक्शन है जिसका नाम है बहुत ऐसे अलग अलग रिएक्शन है तो कोल्ब्स रिएक्शन, उसके लिए हमने कोडवर्ड बनाया कल बीच पे फेनॉल ने सोडा CO2 हल्का साली की कार पे। ऐसे बहुत सारी टेक्निक आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपर्ट टिप्स, आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा आप राय ले लीजिए कि यार कैसे, जैसे जो भी जिन्होंने एग्जाम दिया आपके टीचर्स हैं उनको थोड़ा, उन्होंने जो भी चीजें बताई है उसको थोड़ा फॉलो करिए। उसके साथ साथ PYQ, मतलब इसके पहले कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो सो दैट आपका पेपर अच्छा जाएगा। एंड लास्ट मिनट रिविजन, ये लास्ट मिनट रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो यार हर एक चैप्टर का एक पूरा 200 पेजेस का आपका बुक भर गया होगा, या कोई कोई का तो 300 पेजेस का भी भर गया होगा। आपके अगर 15 से 20 चैप्टर्स अगर है तो 15 से 20 बुक एक दिन पहले रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अभी से आप सारे यूनिट को 2-2 पेज 3-3 पेजेस में समराइज कर लो, और सारे यूनिट 2-2 3-3 पेजेस में अगर आप समराइज कर लोगे तो मैक्स टू मैक्स आपका 100-150 पेजेस में आपके पूरे 15 से 20 चैप्टर्स आ जाएंगे। और वो 15 से 20 चैप्टर आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपको उसमें से कुछ भी अगर पूछा तो ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज द लास्ट मिनट रिवीजन, अभी से तैयार करो।
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के पहले दिन सोते ही नहीं, एग्जाम के पहले दिन सोते ही नहीं और डायरेक्ट पेपर में जाके सो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर जिंदगी भर ताने देते बैठते हैं, यार मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, नहीं तो मेरे को 100 में से 100 मिल जाते हैं। इसलिए लास्ट मिनट रिवीजन का प्रिपरेशन आप अभी से करके रखो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब इन सब का कंक्लूजन क्या है कि आपको बता दिया है हमने कि ये यार पैटर्न कैसा है, क्या करना है, अब कैसे करना है इसका डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।